बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर एवरीवन। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो दैट वाज रिलेटेड टू द ग्रोथ कर्व। इन द प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस अबाउट द मेन कंसेप्ट ऑफ द ग्रोथ कर्व। आई वांट टू समराइज इट इन अ क्विकली इन अ मिनट और टू। पिछले वीडियो में मैंने क्या डिस्कस की थी, तो आई सिंपली डिस्कस अबाउट द बाइनरी फिजन दैट मोस्टली द बैक्टेरिया आर डिवाइड थ्रू बाइनरी फिजन व्हेन वी कल्चर इट। सो आई डिस्कस द बाइनरी फिजन, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। देन द ग्रोथ कर्व दैट व्हाट इज ग्रोथ कर्व एंड द डिफरेंट फेजेस ऑफ द ग्रोथ कर्व दैट और व्हाट एंड इन द लेटर इन द अर्लियर वीडियो आई डिस्कस अबाउट द लैग फेज। ये लैग फेज क्या होता है और ये क्यों होता है और इसका अक्सर लेंथ ज़्यादा या कम होता है तो ये किस तरह होता है। ठीक है, ये मैंने डिस्कस की थी। एक्सपोनेंशियल फेज के बारे में मैंने बात की थी एंड एट द लास्ट आई डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन दैट हाउ इट इफेक्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस के मैंने कहा था कि न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन अगर हम ज़्यादा कर ले तो कुछ खास हद तक हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ आती रहती है विद अ ग्रेटली इंक्रीज। उसका नंबर जो है वो काफ़ी इंक्रीज होता रहता है व्हेन वी अप्लाई सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जब हम कुछ टाइम के बाद अपने न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते रहते हैं, सो इस तरह का स्टेज आ जाता है कि फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस तरह का पहले ग्रोथ कर रहे थे फिर उसी तरह ग्रोथ नहीं करते। ये क्यों नहीं करते, आई डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियो के उसका जो ट्रांसपोर्टर्स है, जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर्स है वो हमारे वाले जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं मीडिया में, तो उसके साथ वो सैचुरेटेड हो जाता है एंड देन वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सैचुरेशन की वजह से वो ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसपोर्टर जो सेल मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टर्स, तो वो जो धीरे धीरे से धीरे धीरे से वो अप सेल के अंदर वो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। तो कुछ सिंपल एक सही मैनर्स के साथ, क्योंकि वो सैचुरेटेड हुए होते हैं तो इट कैन नॉट पास द ग्लूको द न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर कलेक्टिवली। वो एक सिंपल रेगुलर मैनर के साथ वो ट्रांसपोर्ट होंगे, तो इसलिए वो फिर ग्रोथ ड्रास्टिकली ज़्यादा ग्रोथ जल्दी नहीं आती, इसलिए कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रांसपोर्टर के साथ जो उन्होंने सैचुरेशन की होती है, तो इसलिए वो धीरे धीरे से वो न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर फिर इनगल्फ करते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, तो इसीलिए ये फिर ये जो हमारे साथ कर्व है ये फिर जो ग्रोथ है वो स्लोली स्लोली फिर इंक्रीज होता है। पहले तो ड्रास्टिक इंक्रीज होता है, सॉरी वो बहुत मैक्सिमम इंक्रीज होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं और सारे जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर्स है वो खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं, तो जैसे ही हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं तो जल्दी जल्दी वो सेल के अंदर पास करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही न्यूट्रिएंट्स की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है हो जाती है, सो देन दे गेट सैचुरेटेड और फिर धीरे धीरे से वो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, तो इसीलिए ये जो है हमारे साथ ये कर्व फिर स्ट्रेट लाइन या थोड़ा सा कर्व लाइन आ जाता है। ग्रोथ होती है लेकिन स्लोली स्लोली होती है, पहले की तरह नहीं। ये पिछले वीडियोस में वीडियो मैंने डिस्कस की थी। नाउ हियर इज द पार्ट टू के फिर जब ग्रोथ हो जाती है तो फिर एक स्टेज आ जाता है जिसे कहते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज अगर मैं आपको इसमें दिखा दूँ तो ये वाला या ये दिखा दूँ तो ये जो लाइन है ये स्टेशनरी फेज है। ये क्यों होता है और ये किसकी वजह से होता है, आई विल डिस्कस दिस। मोस्टली स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं कि बेसिकली स्टेशनरी फेज क्यों अकर हो जाता है, तो आई वांट टू टोल यू के एज दिस इज अ क्लोज सिस्टम। जो हमने ये जो सिस्टम लिए है ना, जो वो क्लोज सिस्टम है, हमारे जो पेट्री प्लेट होता है उसमें वो क्लोज सिस्टम होता है। एक दफ़ा हमने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर लिए
हम दोबारा दोबारा न्यूट्रंट्स प्रोवाइड नहीं करते, तो इसको बैच सिस्टम भी कहते हैं और क्लोज सिस्टम भी कहते हैं। तो एज दिस इज अ क्लोज सिस्टम, इवेंचुअली पॉपुलेशन ग्रोथ सीजेज एंड द ग्रोथ कर्व बिकम हॉरिजेंटल। व्हाई द पॉपुलेशन ग्रोथ सीजेज, हमारे साथ यही मेन कंसेप्ट है कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ सीज क्यों होता है। सो एंड द ग्रोथ कर्व बिकम हॉरिजेंटल, so why this growth ceases, we will more focus it on this is known as stationary phase. Isko stationary phase kehte hain. This happens because, is pe aap zara samajh le ki ye kyun hota hai. This happens because balance between cell division and cell death. Hamare sath jo stationary phase aa jata hai to usme cell division aur cell death के दरमियान बैलेंस आ जाता है। अब ये सेल डेथ क्यों होता है और सेल ये जो सेल डेथ है ये क्यों होता है, तो अगर मैं ये डिस्कस कर लूँ तो आप इस सेंटेंस पे फिर इजीली समझ जाते हैं। एंड द सेकंड रीजन इज द सेल स्टॉप्स डिवीजन बट आर एक्टिव। ये दो पॉइंट्स में फिर जो दूसरा स्लाइड है उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा, तो ये आप फिर सही तरह समझ गए होंगे। ये तो सिंपल एक रीजन से मेन जो रीजंस बिहाइंड स्टेशनरी फेज है, आप ये इस पे ज्यादा समझे तो फिर ये पिछले वाली स्लाइड पे आप समझ जाएंगे कि न्यूट्रिएंट्स लिमिटेशन, ये बहुत पहला पहला जो सबसे बड़ा इशू है वो न्यूट्रिएंट्स लिमिटेशन होती है। हम बैच कल्चर में जो क्लोज कल्चर होता है हम उसमें एक दफा न्यूट्रिएंट्स डाल लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स मीडिया बना के उसमें इनोकुलेशन कर देते हैं एंड देन वी क्लोज इट एंड कीप दिस दैट इन द इनक्यूबेटर। तो क्या हो जाता है कि हम न्यूट्रिएंट्स जो है जो प्रोवाइड जो पहले स्टार्ट में हमने जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड की थी वो बस एक दफा प्रोवाइड करके हमने उस पे पेट्री प्लेट को बंद करके इनक्यूबेटर में रख दिया होता है। सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजिंग दैट न्यूट्रिएंट्स, दे आर यूजिंग दैट न्यूट्रिएंट एंड दे आर इंक्रीजिंग देयर नंबर एंड द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। तो कुछ टाइम इस तरह आएगा कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो लिमिट कंडीशन में आ जाएंगे क्योंकि दे आर यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक बहुत बड़ा रीजन है ये है कि हमारे साथ न्यूट्रिएंट्स लिमिटेशन आ जाती है जिसकी वजह से स्टेशनरी फेज आ जाता है एंड द सेल स्टॉप्स इट्स डिवीजन और इवन सेल डेथ शुरू हो जाती है। ओके, एक्युमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस, ये बहुत बड़ा दूसरा रीजन है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे साथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो लैब बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो क्या करता है, वो हमारे साथ कॉन्स्टेंटली फर्मेंटेशन के थ्रू हमारे साथ लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होती है ये हमारे साथ लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन करती है। सो वो इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड थ्रू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जो फॉर एग्जाम्पल हमने मीडिया में ग्लूकोज को वी इंट्रोड्यूस ग्लूकोज इन दैट मीडिया इन फ्रॉम द स्टार्ट, तो उस ग्लूकोज को यूज करके इट कन्वर्ट दैट ग्लूकोज इंटू लैक्टिक एसिड। तो बेसिकली वो जो बैक्टीरिया है वो तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करती है, लेकिन जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है तो इट एकोमुलेट इन द मीडिया और वो उस मीडिया को एसिडिक बना देती है एंड ड्यू टू दैट एसिडिक नेचर हमारे साथ फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ शुरू हो जाती है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप इसमें आपने असाइनमेंट्स में हमने प्रेजेंटेशन में ये एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि ये लैक्टिक एसिड वाला, ठीक है। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो जो हम स्टार्ट में जो ऑक्सीजन होती है मीडिया में तो इट इज यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यूज करते करते वो इतना यूज हो जाता है कि उसकी लिमिटेशन आ जाती है एंड ड्यू टू विच फिर हमारे साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं होते। तो ये भी एक दूसरा एग्जांपल है। तो पहला न्यूट्रिएंट्स लिमिटेशन आ जाती है एंड देन एक्युमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस, सो बिकॉज ऑफ दिस द डेथ अकर्स, ठीक है। लेकिन कुछ सेल्स इस तरह होते हैं कि ये इन ड्रास्टिक इवेंट्स को विथस्टैंड करते हैं, इसको अगर इस ये कंडीशन आ भी जाए लेकिन तो ये वो फिर भी जिंदा रहते हैं एंड दे आर नॉट किल्ड। ओके, कुछ किल हो जाते हैं, सेल डेथ शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ जो सेल है वो जिंदा रहते हैं। जो मैंने पिछले स्लाइड में कहा बैलेंस बिटवीन सेल डेथ एंड सेल डिवीजन, जो सेल डेथ है या सेल सर्वाइवल है
बैलेंस कंडीशन में होता है। तो सेल डेथ का तो आप समझ गए कि जो न्यूट्रिएंट लिमिटेशन और एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ये इसमें इसकी वजह से सेल डेथ होती है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया इस तरह होते हैं जो इन इन वजूहात के बजाय भी जिंदा रहते हैं, इस इवेंट्स को विदस्टैंड करते रहते हैं। ये किस तरह विदस्टैंड करते रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया है और उस पे एसिडिक इन्वायरमेंट ज़्यादा हो गए, एंड दैट एसिडिक इन्वायरमेंट इज स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग दैट एसिड स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग इट्स पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। तो क्या हो जाता है, जो डिस्ट्रॉइंग उसकी शुरू हो जाती है। तो ये बैक्टीरिया इतने वल्नरेबल होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि ये क्या कर लेते हैं, इट्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सच प्रोटीन्स दैट स्टार्ट स्टेबिलाइजिंग द म्यूरिन। ये जो है ये बैक्टीरिया जो होते हैं इस हार्श इन्वायरमेंट से बचने के लिए ये अपने अंदर इस तरह के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, दे स्टेबिलाइज द म्यूरिन। एक जगह पे जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो जो है ख़राब होता रहता है, लेकिन दूसरी जगह पे ये इस तरह के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जो उस म्यूरिन सेल वॉल को जो म्यूरिन सेल है वो कॉन्स्टेंटली इसको फिर से सिंथिसाइज करते हैं। एक दफा डिस्ट्रॉय एक तरफ डिस्ट्रॉय होता रहता है और दूसरी तरफ ये सिंथिसाइज करते रहते हैं। कुछ प्रोटीन ये इस तरह प्रोड्यूस करते हैं कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है उसको इन इवेंट से महफूज करते हैं, इन एसिडिक एनवायरनमेंट से महफूज करते रहते हैं। सो दीज आर प्रोटीन स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन्स। ठीक है, तो एक वजह यह होती है कि वो बैक्टीरिया फिर जिंदा रहती है। ठीक है, वो बैक्टीरिया जिंदा रहती है तो सेल जो है सेल सर्वाइवल इसमें होती है, दे सर्वाइव इन दैट हार्श कंडीशन। दूसरा जो वो अपने आप को बनाती है कि इस हार्श इन्वायरमेंट को विदस्टैंड कर ले, तो वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स है। ठीक है, इस तरह के प्रोटीन्स ये प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, बाहर से इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हार्श हुई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ दैट इन्वायरमेंट एसिडिक इन्वायरमेंट और अदर सच टाइप ऑफ कंडीशन, जो अंदर जो डीएनए है उसको नुकसान शुरू हो जाता है। तो ये क्या कर लेते हैं, ये इस तरह के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जो डीएनए के डैमेज को रोकती है। इट इनेबल द कंडीशन, इस तरह के कंडीशन ये प्रोड्यूस करते हैं कि वो उस डीएनए को उस हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट कर ले। एंड वी ऑल नो दैट इफ द डीएनए इज प्रोटेक्टेड, सो ऑलमोस्ट जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटेक्टेड कंडीशन में होता है, क्योंकि जो बेसिक डीएनए है उससे वो जीन्स ट्रांसलेट और ट्रांसक्राइब होते हैं। तो अगर वो डीएनए ज्यादातर जिंदा रहे एंड फंक्शनल रहे तो द बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस सच एसेंशियल प्रोटीन्स एंड इट कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो ये एक दूसरा वजह है कि ये सेल इसकी सेल डेथ नहीं होती और ये अपने आप को महफूज करता रहता है। अदर जो थर्ड वन है वो शेफ्रॉन्स प्रोटीन है। ये इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल अंदर जो एसेंशियल प्रोटीन होती है उसकी डीनेचरेशन शुरू हो जाती है इन हार्श कंडीशंस की वजह से। तो ये शेफ्रॉन प्रोटीन्स जो है ये उस जो प्रोटीन्स है उसको महफूज रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन आ जाए और उसने उस प्रोटीन को ख़राब कर लिया, डीनेचर कर लिया, मिसफोल्ड कर लिया, तो ये शेफ्रॉन प्रोटीन्स जो है ये आके उसको दोबारा से फोल्ड करके फंक्शनल बना देते हैं। ये सारे डिफरेंट वीडियोस इस पे है यूट्यूब पे के इनके अलग अलग फंक्शन किस तरह एनिमेशन इसमें इसके है, यू कैन वॉच दैट। एंड आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोस ओवर शेफ्रॉन्स एंड डिफरेंट दीज प्रोटीन स्टेबिलाइजिंग म्यूरिन, सो देन यू कैन ऑल्सो वॉच इट, बट आई हैव नॉट मेक दैट इट, उसको मैंने अभी बनाया नहीं है। ठीक है, तो आप सिर्फ इस जहन में ये रखें जो मैंने आपको जो ये बताया कि बैलेंस बिटवीन सेल डिवीजन एंड सेल डेथ, तो ये इसी वजह से जो और दूसरा वर्ड सेंटेंस है सेल स्टॉप्स डिवीजन बट आर एक्टिव। तो क्या हो जाता है, इसकी वजह से अगर कुछ बैक्टीरिया मर रहे होते हैं
तो कुछ बैक्टीरिया अपने आप को बचा रहे होते हैं थ्रू दीज टेक्निक्स, प्रोटीन स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एंड शेफ्रॉन। तो आप इस जहन आप इस चीज़ को जहन में याद रखें। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि स्टेशनरी फेज जो है, इस फेज में फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, वी ऑल नो दैट बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर गिवन हार्श कंडीशंस। अगर उसको अनफेवरेबल कंडीशन में रखा जाए सो दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये हम सबको पता है। तो यही वो स्टेशनरी फेज है जिस फेज में ये वो एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों से एग्जाम में वो एग्जामिनर पूछे या कोई टेस्ट में या कोई जनरल आपसे पूछे कि एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन किस ग्रोथ फेज में होती है, सो यू कैन इजीली टॉल देम दैट दिस अकर इन द स्टेशनरी फेज। क्यों स्टेशनरी फेज? बिकॉज स्टेशनरी फेज में हमारे साथ जो है न्यूट्रिएंट्स लिमिटेशन आ जाती है, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाती है, तो एक ये हार्श कंडीशन शुरू हो जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट हार्श कंडीशन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एंटीबायोटिक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेज दैट आर यूज बाय द ह्यूमन बींग्स। जो मशहूर जो पॉपुलर है वो एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीफंगल एजेंट से। तो ये सारे जहन में याद रखें, ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आप लोग याद रखें कि इंडोस्पोर फॉर्मेशन भी इसी स्टेज में होती है। जो स्टेशनरी फेज है इसमें इंडोस्पोर फॉर्मेशन भी होती है एंड वी ऑल नो दैट इंडोस्पोर फॉर्मेशन इज जस्ट बिकॉज व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज गिवन हार्श कंडीशन। तो यही है स्टेशनरी फेज है जिसमें इंडोस्पोर फॉर्मेशन भी होती है एंड द बैक्टीरिया एंड द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। तो ये चीज़ें जहन में रख के। सो एंड द लास्ट इज द डेथ फेज। जब हमारे साथ बहुत ज़्यादा कंडीशन हार्श हो जाती है और दीज जो ये इवेंट्स है ये फिर काम नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ हद तक ये बैक्टीरिया को बचाते रहते हैं लेकिन आफ्टर दैट जो कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं बैक्टीरिया के लिए एंड इट स्टार्ट्स जो है वो उसकी डेथ शुरू हो जाती है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें भी इस स्टेज में भी काफ़ी बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं ड्यू टू इंडोस्पोर फॉर्मेशन या जो प्रोटीन स्टेबलाइजिंग म्यूरिन है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, शेफ्रॉन्स है, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है उसकी किलिंग शुरू हो जाती है, वो किल करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, थीके? तो इसलिए इसको डेथ फेज कहते हैं। अगर मैं स्टेशनरी फेज की बात करूँ तो स्टेशनरी फेज में हमारे साथ डेथ भी हो रही होती है लेकिन बैक्टीरिया जो है वो विदस्टैंड भी कर रहे होते हैं जो इस हार्श कंडीशंस को, लेकिन जब डेथ फेज आ जाती है तो वो जो डेथ रेट है वो एक्सीड कर जाता है सर्वाइवल रेट से, तो इसलिए इसको डेथ फेज कहते हैं। अगर मैं आपको ये इसमें बता दूं तो ये डेथ फेज है, ठीक है, ये वाला डेथ फेज है, मैं आपको ये वाला बता दूं, ठीक है, ये डेथ फेज है और ये ग्राफ जो है ये नीचे की तरफ शुरू हो जाते हैं। ये थ्री हाइपोथेसिस है डेथ फेज की, जो जनरल थ्री हाइपोथेसिस है जो डेथ फेज को इलस्ट्रेट करता है। तो आप इस हाइपोथेसिस को समझे एंड पहले मैं आपको बता दूं कि द डिक्लाइन इन वाइबल सेल्स फॉलोइंग स्टेशनरी सेल्स आर डिस्क्राइब्ड सिंपली एज डेथ फेज। पहले ये वाला इस वाले को देख लें, ठीक है, और इसके बाद फिर हाँ हम दूसरे हाइपोथेसिस, ये थ्री हाइपोथेसिस है जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने इंट्रोड्यूस किए कि इन थ्री हाइपोथेसिस के थ्रू सेल की डेथ हो सकती है। पहले तो सिंपल ये है कि सेल डेथ हो जाती है जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रह जाते हैं और कुछ कुछ की डेथ हो जाती है थ्रू डिफरेंट जो हार्श कंडीशन है, ये एक सिंपल सा हाइपोथेसिस है। अगर मैं बताऊँ इट हैज़ लॉन्ग बीन अज्यूम्ड दैट एज सेल लीव स्टेशनरी फेज due to starvation or toxic waste accumulation, the exponential decline in culturability is due to cellular death. ये simple सा है कि कुछ की death हो जाती है और कुछ survive कर लेते हैं। ये जो दूसरा second वाला है ये थोड़ा सा conceptual है। ये क्या हो जाता है, इसमें ये चीज़ हो जाती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है they are constantly communicating each other. ये आप समझे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दीज आर लिविंग माइक्रो जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, दे आर कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं। तो ये इस हाइपोथेसिस में क्या कहते हैं कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
वो क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में होते हैं, तो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं कि आप अपनी जो है उस सिग्नल में ये मैसेज होता है, दिस इज इवन इन द बुक्स, यू कैन रीड इट आउट टू जो डिफरेंट बुक्स है, ये हाइपोथेसिस ये है, और ये हाइपोथेसिस के वो वर्ड्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो उर्दू में जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं थ्रू डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उस सिग्नल में ये कहते हैं कि आप अपने जो है सुसाइड सिस्टम एक्टिवेट जो एपोप्टोसिस है वो कर ले। ठीक है, ये क्यों उनको बताते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक बैक्टीरिया है, ठीक है, दो बैक्टीरिया, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स लिमिटेशन आ जाती है, तो ये बैक्टीरिया कॉन्स्टेंट सिग्नलिंग एक दूसरे को देते हैं, तो ये बैक्टीरिया ये दूसरे बैक्टीरिया को कहती है कि आप अपनी लाइसिस कर ले, अपनी जो एपोप्टोसिस कर ले वो कर ले। सो जब ये अपनी एपोप्टोसिस कर लेती है एंड इट डाइज, सो इट रिलीजेस इट्स इंटरनल न्यूट्रिएंट्स टू द एनवायरमेंट, जो इंटरनल न्यूट्रिएंट्स है उसमें, ये जो इसकी डेथ हो जाती है, जो इंटरनल न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो एन है, दे इट इज इंट्रोड्यूसेस टू इंट्रोड्यूसेस टू द एनवायरनमेंट एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो क्या हो जाता है, एक बैक्टीरिया सेक्रीफाइस कर लेती है अपने दूसरे दो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स लिमिटेशन आ गई है, तो कुछ बैक्टीरिया अपने जो दूसरे फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनको कह देते हैं कि ट्रू डिफरेंट सिग्नल कि आप अपने आप को मार ले, एंड दोज व्हेन इट जो जब वो मर जाते हैं एंड दे लाइसिस, सो जो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं दे आर रिलीज टू द एनवायरनमेंट एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप सिंपली अगर मैं बता दूं तो जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ है, सिग्नल प्रोड्यूस कर लेते हैं एंड दीज सिग्नल्स आर जो सिग्नल है वो रिसेप्टर के थ्रू वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं एंड वो सिग्नल वो मैसेज कोड करते हैं कि आप अपना सेल डेथ कर ले, अपनी लाइसिस कर ले, जस्ट बिकॉज टू इन ऑर्डर टू यूज देयर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सेंटेंस में बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप समझे, एक एक सुसाइड सिस्टम होता है, सिंपली वो बैक्टीरिया सिग्नल्स के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया को कहते हैं कि आप सुसाइड कमिट कर लें, एंड आफ्टर व्हेन दे कमिट सुसाइड, सो जो अंदर के न्यूट्रंस है बैक्टीरिया के अंदर दे आर रिलीज टू द एनवायरमेंट एंड दे आर देन यूज बाय द अदर बैक्टीरिया, तो वो अपने आप को फिर जिंदा रह कर जो बैक्टीरिया है वो जिंदा रहते हैं और वो दूसरे मर जाते हैं। अब देखिए ये फोर बैक्टीरिया ने इस फोर बैक्टीरिया को सिग्नल भेज के उनको कहा कि आप सुसाइड कर ले, एंड व्हेन दे सुसाइड एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर देन यूज्ड बाय दीज बैक्टीरिया एंड देन दीज बैक्टीरिया आर अलाइव। तो ये सिंपली इसका ये मतलब, ये हाइपोथेसिस है, ठीक है, एक लॉ नहीं है, हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, एक्सपेरिमेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये हाइपोथेसिस वजूद में आई है कि ये इस तरह भी होता है। ठीक है, सेल डेथ, लास्ट वन जो है द सी वन, जेनेटिकली प्रोग्राम स्टेबिलिटी द स्टेरिलिटी या VBNC, वेबल बट नॉन कल्चरेबल। हमारे साथ कुछ बैक्टीरिया इस तरह होते हैं कि वो जो है अपने आप को इस तरह बना लेते हैं कि ये इसकी फॉर एग्जांपल डेथ हुई है। ठीक है, अगर मैं पहले टेक्स्ट बता दूं, द नोएबल बट नॉन कल्चरेबल हाइपोथेसिस पोजिस दैट व्हेन सेल्स आर स्टार्व दे बिकम टेम्पररी नॉन कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, व्हेन एक्सपोज टू अप्रोप्रिएट कंडीशन सम सेल विल रिगेन द कैपेसिटी और टू रिप्रोड्यूस। कुछ बैक्टीरिया इस तरह होते हैं कि वो अपने अंदर इस तरह मैकेनिज्म शुरू कर लेते हैं कि वो सिर्फ जिंदा रह सकते हैं लेकिन वो कल्चर नहीं हो सकते। ठीक है, वो अपने अंदर इस तरह के कंडीशन प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, कि वो अपने आप को इस तरह जाहिर कर लेते हैं कि वो डेड हुई है। ठीक है, वो कल्चरल नहीं हो सकते, जब हम वो उसको इनाकुलेट करके उसको जो कल्चर के लिए छोड़ दें तो वो कल्चर नहीं हो सकती, उसमें वो एबिलिटी खत्म हो जाती है लेकिन वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, और ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू कंसर्न है। कुछ जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है
ये अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसकी हम जो उससे ब्लड सैंपल लेके उसको कल्चर कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं आती है, तो और वो हम सिंपली उसको कह देते हैं कि आपको ये इन्फेक्शन नहीं है, आप में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने चालाक होते हैं, ये अपने अंदर इस तरह के मैकेनिज्म, इस तरह के एडाप्टेशन ले आते हैं कि वो कल्चर नहीं हो सकते, लेकिन बट दे आर अलाइव, एंड वेन फेवरेबल कंडीशन उसको जैसे ही मिल जाए, इट्स दे स्टार्ट डिवाइडिंग। तो इस तरह, तो ये एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू है कि इस तरह टेस्ट में नहीं आते, लेकिन जिस तरह उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाते हैं, वो अपने डिवीजन को स्टार्ट कर लेते हैं और पेशेंट को पता नहीं होता और उसके अंदर इन्फेक्शन होता रहता है। सो थर्ड वन इज सर्वाइवर्स रेसिस्टेड अपॉन चेंज इन एनवायरनमेंट। ओके, तो थर्ड वाला का सिंपली मैं एक सेंटेंस में बता दूं कि हार्श कंडीशन की वजह से ये अपने अंदर ऐसा ऐसे एडेप्टेशन ले आते हैं कि वो कल्चर नहीं हो सकते, बट दे आर अलाइव, ठीक है, एंड व्हेन दे उसको एनवायरनमेंट मिल जाते हैं, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाते हैं, सो दे स्टार्ट डिवाइडिंग। ये कुछ बैक्टीरिया इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और जो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें एक एड बैक्टीरिया थे, आठ चार मर गए और चार इस तरह थे कि उसने अपने अंदर एडेप्टेशन ले आई है, ठीक है, और वो जिंदा रह जाते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेथ फेज। ये जो अगर आप, मैं बेर बता दूं, अगर आप पूरा समझना चाहते हैं द ग्रोथ कर्व को, तो आप पहले वीडियो पार्ट फर्स्ट देख लें, आफ्टर दैट आप सेकंड पार्ट आप देख लें, तो ये फिर आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर यू देयर इन अ वेरी हैप्पी नोट। और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले और बहुत ज़्यादा शेयर कर ले, क्योंकि व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो मैं बुक्स का इस्तेमाल करता हूँ, ऑथेंटिक बुक्स है, ठीक है, और मोस्टली जो मैंने अपने चैनल का जो पहला पहले टू वीडियोस बनाए थे, उसमें जो बुक मैंने मेंशन की थी, एक माइक्रोबायोलॉजी, जो बेस्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो वो आप उसको देख लें, ठीक है, मैं उसकी यूज़ करता हूँ, ठीक है, और डिफरेंट नेट से आर्टिकल्स देखता हूँ, ठीक है, वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो ये ऑथेंटिक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।